हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लगभग 2 साल बाद लंजा एंड वेन का फिर से फ़ोन पे बात हुआ। उन लोगों ने कुछ टाइम तक बातें किया एंड अब वो लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। फाइनली वीकेंड आ गया। आसरद था आज मॉर्निंग को वेन, जियांग चैंग एंड हुसैन अपने कार से निकल गए बीच विला के लिए। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। ऐसी बातें करते करते वो तीनों बीच विला के सामने पहुंच गए। वो विला बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल ड्रीम की तरह। विंग सोच रहा था कि हुसैन ने अच्छी जगह चूज़ की है। वो तीनों सबसे पहले पहुंच गए थे। वो तीनों पार्किंग लॉट में अपनी कार के सामने वेट कर रहे थे। तभी कुछ टाइम बाद वहां पर लंजा का कार आया। उस कार में लंजा था, मोशैनू था, मियाँ मियाँ था एंड एक और लड़का था जिसको विंग पहचानता नहीं है। एंड वो लड़का लंजा का बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग लान था। जब लंजा कार से निकल रहा था एंड हुसैन से बात कर रहा था, एक्चुअली हुसैन लंजा से पैसे ले रहा था जो हुसैन का आदत है, तब दूर से ही विंग लंजा को देख रहा था। लंजा बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत हैंडसम। वो नॉर्मल कपड़ों में है पर स्टिल हैंडसम दिख रहा है। विंग कंटिन्यू लंजा को देखे ही जा रहा था। तभी जियांग चैंग ने कहा, तुम उसे कंटिन्यू देखे जा रहे हो? ये सुन के विंग ने अपने आइस को टर्न कर लिया। जियांग चैंग ने कहा, तुम मुझे सब कुछ बताते क्यों नहीं? ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा। जियांग चैंग ने छेड़ देते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। ये सुनकर विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, हिम्मत भी मत करना। जियांग चैंग ने शाई की और कहा, ऐसे बिहेव करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, जियांग चैंग, मैंने उसे जिस तरीके से ट्रीट किया है, अगर सेम काम कोई तुम्हारे साथ करता एंड बाद में वो वापस आता एंड तुम्हें कोई एक्सक्यूज देता तो तुम कैसे रिएक्ट करते? जियांग चैंग ने कहा, यह कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये रीजंस है। विंग ने नोट किया और कहा, ऑल राइट, रीजन्स। अगर वो वापस आता एंड तुम्हें यही रीजन्स देता तो तुम क्या करते? क्या सब कुछ चेंज हो जाता? क्या तुम उन्हें एक्सेप्ट करते? ये सुन के जियांग चैंग चुप हो गया। विंग ने कहा, वो एक इंसान है अचेंग, कोई खिलौना नहीं जो मैं उसके साथ खेलूं। एंड तभी वो लोग विला के अंदर गए। विला के मैनेजर ने कहा कि विला के पार्किंग में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड वहाँ पर रिसेंटली एक वॉल बनाया गया है, तो उन्होंने सबको रिक्वेस्ट किया कि सब लोग वहाँ से दूर रहे। सब लोगों ने नोट किया। देन मैनेजर ने कहा, एक बुरी खबर भी है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या बात है? मैनेजर ने कहा, यहाँ का वेदर आज ठीक नहीं है, इसलिए कुछ लोग आज काम पे नहीं आए हैं, इसलिए प्रिपरेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये सुनकर हुसैन बिल्कुल शॉक्ड हो गया, वो गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? मैनेजर ने कहा, वो डेकोरेशंस एंड ये सब काम अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर हुसैन बहुत गुस्सा हो गया। विंग ने उसे शांत करने की कोशिश किया बट हुसैन शांत नहीं हो रहा था। तभी लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, आज वो लोग जल्दी आ गए हैं तो वो लोग ही इसमें हेल्प कर देंगे। ये सुनकर हुसैन ने कहा, क्या सच में? लंजा ने कहा, हाँ। हुसैन ने कहा, ठीक है तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। देन उन लोगों ने काम स्टार्ट किया। वो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे। तभी चिंसू विंग के पास आई और कहा, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। ये देख के विंग ने कहा, तुम हमेशा रेस्ट लेने की बात क्यों करते हो? चिंसू ने कहा, क्योंकि रेस्ट लेना वेल डिजर्व्ड है एंड सबको रेस्ट लेना चाहिए। विंग ने आई रोल किया एंड वो हुसैन के पास गया। हुसैन के हाथ में एक नोटपैड था। विंग उसे देख रहा था। वहाँ पर एक गेम था जिसका नाम था कलेक्टिव किस। ये देख के विंग ने कहा, अब ये क्या है? हुसैन ने कहा, ये गेम है। ओके, विंग ने कहा, ये गेम है? ये कैसा गेम है? हुसैन ने कहा, सबको मिडनाइट को किस करना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा गेम है, सब लोग अपने अपने पार्टनर्स ढूंढ लेंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, हम है क्या सिंड्रेला? हुसैन ने कहा, अब ये सिंड्रेला कौन है? विंग ने कहा, हुसैन, ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हुसैन ने कहा, गेम में कोई ईस्टर्न वेस्टर्न नहीं होता। विंग ने पूछा, एंड तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग एग्री करेंगे? हुसैन ने कहा, हम सब क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड हमारे पास ऐसा कोई ना कोई दोस्त तो है जिसे किस करने में हम लोग कंफर्टेबल है, सो इट्स ओके ना? विंग ने कहा, मेरे पास नहीं है। ये सुनकर हुसैन ने ड्रामेटिकली अपने चेस्ट पे हाथ रखा और कहा, तुमने मुझे हर्ट किया डियर्स बेस्ट फ्रेंड। विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, डोंट टेल मी कि तुम मुझे किस करने वाले हो। हुसैन ने कहा, ऑफकोर्स मैं करूँगा। ये बोल के हुसैन वहाँ से चला गया एंड अपना काम करने लगा। विंग ने शाई किया एंड देन वो चेयर पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीने लगा।
तभी विंग आसपास देखने लगा। विंग ने देखा वेनजिंग चिंसू के साथ है, वेनजिंग जियांगचंग के साथ, सिया सिंचन सोनलैंग के साथ एंड लंजा मोशनु के साथ। सबके पास कोई ना कोई है किस करने के लिए। तो अभी बचा विंग एंड हुसैन, एंड ऑफ कोर्स हुसैन को किस करने से विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्टिल ये सोचते हुए विंग कहीं खो गया। एंड तभी विंग ने देखा कि लंजा भी विंडो के बाहर देख रहा है, एंड वो भी अपने थॉट्स पे बिल्कुल लॉस्ट हो गया है। एंड मोशनु बार बार लंजा को बुला रहा है। जब लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तब मोशनु लंजा के चीक्स को पोकिंग करने लगा। ये देख के लंजा ने मोशनु की तरफ ग्लेयर किया एंड मोशनु हंसने लगा। ये सब देख के विंग को अंदर अंदर कुछ हुआ। उसने अपना कोल्ड ड्रिंक पिया, दिन वो हुसैन के पास गया, उसने नोटपैड से उस गेम के लिस्ट से इस गेम को काट दिया एंड वो बार बार काटता रहा। ये देख के हुसैन शॉक्ड हो गया। उसने कहा विभूषियान ये सब क्या है। विंग ने कहा मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता। ये सुन के हुसैन कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शॉक्ड था। दिन उसने कहा यू नो व्हाट, तुम बहुत ही अच्छे से रिफ्यूज कर सकते थे, मैं किसी और को ढूंढ लेता, बट ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। हुसैन ने कहा मैं तुम्हें 300 दूंगा, इस गेम को हटा दो। हुसैन अभी तक नहीं माना। विंग ने शाई किया और कहा 500, विदाउट एनी क्वेश्चन गेम को हटा दो। हुसैन ने कहा 1000 और डील पक्की। विंग ने आई रोल किया और कहा ओके डन। देन विंग ने हुसैन को पैसे दिया एंड वो वहाँ से चला गया। एंड आज के लिए ये हुसैन का सेकेंड इनकम था। पहले इनकम लंजा से एंड सेकेंड इनकम विंग से। हुसैन तो बहुत खुश हो गया। अब शाम को पार्टी स्टार्ट हुआ, सब लोग पार्टी कर रहे थे बट विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार पे चला आया एंड ड्रिंक करने लगा। तभी उसके पास हुसैन आया। हुसैन ने कहा अगर तुम ड्रंक हो गए मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। विंग ने कहा मुझे ड्रिंक करना है ओके। हुसैन ने कहा तुम्हें क्या हो गया है, तुमने डांस भी नहीं किया एंड तुम ठीक से गेम भी नहीं खेल रहे थे। विंग ने क्लियर किया और कहा तुम्हारे हर गेम डंप है। हुसैन ने कहा आई लव यू वाला गेम कैसे डंप हो सकता है। विंग ने कहा सब कुछ डंप है, यू नो सब कुछ चाइल्डिश है। हुसैन ने कहा अच्छा चाइल्डिश। विंग ने कहा हाँ। हुसैन ने कहा एंड तुम एडल्ट हो। विंग ने कहा पिछले 10 साल से। हुसैन ने कहा अच्छा तो जब हम म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे तब तुम मैनियाक की तरह दौड़ रहे थे, तुमने जियांगचंग को पुश किया, इनफैक्ट चिंसू को भी एंड खुद चेयर पे जाके बैठ गए। विंग ने कहा क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया था। हुसैन ने कहा अच्छा एंड देन तुमने किसको अपना चेयर दिया, लांगवांग जी को, एंड तुम खुद हार गए, वाओ। ये सुन के विंग को हंसी आ गई। उसे वो टाइम याद आ रहा था, उसे याद आ रहा था कि जब उसने ऐसा किया था तब लंजा उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था एंड इससे विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत हैप्पी फील हो रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी भी लंजा को गुस्सा दिला सकता है। जब वो ऐसा सोच रहा था तब उसे ने कहा ओके अब तुम एडल्ट बन जाओ, वो रेड कपड़े पहना हुआ वो इंसान, वो स्कॉर्पियन लेडी जिसको तुमने चेयर से हटा दिया था, वो तुम्हारे पास आ रहा है, ओके अब मैं जाता हूँ। ये सुन के विंग ने ग्रोन किया। हुसैन वहाँ से चला गया एंड वो रेड ड्रेस पहना हुआ इंसान और कोई नहीं मेइशिंग था। मेइशिंग विंग के पास आया एंड विंग ने स्माइल किया। आज मेइशिंग रेड ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी एंड मेइशिंग के बॉडी में एक स्कॉर्पियन का टैटू है। मेइशिंग ने विंग से पूछा ओके तो तुम आज कौन सा डेमन बने हो। विंग ने कहा डेडलीस्ट वन। मेइशिंग ने कहा ओह आई कैन सी, आज सच में तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। ये सुन के विंग ने स्मिक किया बिकॉज विंग को पता है कि आज सच में वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। वो लोग ड्रिंक करने लगे। देन विंग ने कहा उस चेयर के वजह से आई एम रियली सॉरी, मैं वो करना नहीं चाहता था। मेइशिंग ने स्मिक किया और कहा अगर तुमने मेरे साथ डांस किया मैं तभी तुम्हें माफ़ करूँगी वरना नहीं। अब विंग के पास कोई रास्ता नहीं था तो उसने वही किया, वो मेइशिंग के साथ डांस फ्लोर पर चला गया। डांस फ्लोर पे मोशनु मिया मिया वेनजिंग सब थे एंड मोशनु आज भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। मोशनु ने मेइशिंग एंड विंग को एक साथ देखा और कहा दो डेविल्स एक साथ, वाओ। मेइशिंग ने कहा तुम भी बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो यू नो। ये सुन के मोशनु ने स्माइल किया एंड देन उसने विंग से कहा आई लाइक हर। विंग ने आई रोल किया, वो लोग डांस करने लगे एंड तभी विंग ने देखा कि उसके सामने शुयांग है।
शुयांग सियाओ सिंचन के साथ बात कर रहा है एंड सियाओ सिंचन बहुत गुस्सा है। शुयांग को देखकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने मेइशिंग से कहा, मैं अभी आता हूँ। ये बोलने के बाद विंग शुयांग के सामने आ गया। शुयांग को विंग बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, वो एक डिजास्टर है। शुयांग को देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें किसने इन्वाइट किया है? विंग का गुस्सा देखकर सियाओ सिंचन ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने चिल्लाकर शुयांग से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सिंचन ने कहा, वी विशियान बिहेव, वो हमारा गेस्ट है। इसके आगे सिंचन कुछ कहता, जिंग गुआंग्याओ वहाँ पर आ गया। जिंग गुआंग्याओ ने कहा, शुयांग मेरे साथ आया है मास्टर वी। अब विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसे पता है कि जिंग गुआंग्याओ लान सिंचन का बहुत ही क्लोज है, वो तो आएगा ही, पर शुयांग? वहाँ का एटमोसफियर बिल्कुल बदल गया। सब लोग उन लोगों को देखने लगे। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। इससे पहले विंग कुछ करता, लंजन ने विंग के एल्बो को पकड़ा और कहा, विंग शांत हो जाओ। लंजन के सेंस से विंग को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। धीरे धीरे विंग ने अपने आप को शांत किया एंड उसने लंजन की तरफ देखा और कहा, मैं ठीक हूँ। इससे पहले लंजन कुछ कहता, तभी दूर से मेइशिंग ने कहा, हे विशियान, तुम डांस करते करते ये सब क्या कर रहे हो? मेइशिंग को आते हुए देखते ही लंजन ने विंग के हाथ को छोड़ दिया एंड इससे विंग अंदर ही अंदर फ्रिंज कर उठा। इससे पहले विंग कुछ रिएक्ट करता, मेइशिंग ने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड लंजन से दूर कर दिया। लंजन वहाँ पर ही खड़ा था। मोशन ने टीस करते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने मैचिंग ड्रेसअप किया है? ये सुनकर मियाँ मियाँ का मन कर रहा था कि वो मोशन को मार ही दे। इससे पहले विंग कुछ कहता, मेइशिंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर विंग को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ गया। कुछ घंटे पहले ही वो जानबूझ के फ्लर्ट कर रहा था ताकि वो लंजा का रिएक्शन देख पाए एंड अब जब वो देख रहा है लंजा का रिएक्शन, तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो उसने मेइशिंग से कहा, क्या अब हम जा सकते हैं? मेइशिंग ने स्माइल किया। तभी मोशन ने लंजा से कहा, जंगा क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़? लंजन ने ग्लेयर किया और कहा, शुयांग यू? ये सुन के मोशन चुप हो गया। ये देख के मेइशिंग ने कहा, हमारे साथ ज्वाइन करो, क्या प्रॉब्लम है? ये सब देख के विंग का मन कर रहा था कि वो अभी यहाँ से निकल जाए। तभी लंजन ने मेइशिंग से कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे डांस करना नहीं आता। तभी वहाँ पर सोंगलन आया। उसने लंजन के कॉलर को पकड़ा और कहा, वांग जी तुम डांस करोगे ओके? लंजन ने बहुत रिफ्यूज़ किया बट सोंगलन नहीं माना। अब वो लोग डांस करने लगे, विंग मेइशिंग के साथ एंड लंजा सोंगलन के साथ। वो लोग डांस कर रहे थे तो ऑफकोर्स सोंगलन का हाथ लंजा के वेस्ट में था, सेम एज विंग। विंग को पता है कि वो दोनों दोस्त है, सोंगलन एंड लंजा, पर स्टिल विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंदर अंदर कुछ फील हो रहा था। वो डांस तो कर रहा था बट वो अपने में नहीं था एंड जैसे ही सॉन्ग ख़त्म हुआ विंग को रिलीफ फील हुआ एंड वो डांस फ्लोर से निकल गया। सेम एस लंजा, लंजा मोशनू के पास आया एंड माफ़ी मांगी। मोशनू ने पाउट किया तो लंजा ने मोशनू को डांस के लिए ऑफर किया एंड मोशनू खुश हो गया। अब लंजा एंड मोशनू एक साथ डांस करने लगे। इस तरफ विंग वो बार पे आया एंड दो शैंपेन लेके बैंक्वेट हॉल से निकल गया। दिन वो एक दूर टेबल पे जाके बैठ गया एंड ड्रिंक करने लगा। उसे बहुत ही सफोकेशन फील हो रहा था तो उसने अपना ब्लेजर उतार दिया एंड चेयर पे रख दिया। तभी उसके पास मेइशिंग आई बट मेइशिंग ने कुछ कहा नहीं। वो लोग चुपचाप ड्रिंक करने लगे। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, तुम हुसैन को पहचानते हो? मेइशिंग ने कहा, नहीं, मैं लान सिंचन का दोस्त हूँ, हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, विंग ने नोट किया। मेइशिंग ने स्माइल किया और कहा, तूने मुझे कहीं भी कॉल नहीं किया। ये सुनकर विंग को लंजा की याद आ गई। उसे याद आ गया कि जब वो गुस्सा कर रहा था शुयांग के ऊपर, तब लंजन उसे शांत करने के लिए उसके हाथ को पकड़ा था। विंग ने कहा, मुझे ठीक नहीं लगा। मेइशिंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे कैसे पता था कि तुम जेंटलमैन निकलोगे? ये सुनकर विंग ने हंसा। उसने कहा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं, वो लोग तुम्हारे लिए पागल है। मेइशिंग ने कहा, बट तुम नहीं हो। ये सुनकर विंग ने कुछ भी नहीं कहा। मेइशिंग ने कहा, यू नो व्हाट, अच्छा काम करना ओवररेटेड है।
ये सुन के विंग को याद आ गया जब लंजन उसके हाथ को छोड़ दिया था तब विंग को कैसा लग रहा था। विंग ने कहा, सही कहा, सच में ये बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे एंड तभी वहाँ पर लंजा एंड मोशानू आया। विंग को वहाँ पर देख के पहले लंजा शॉक्ड हो गया बट उसने कुछ कहा नहीं, वो दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया मोशानू के साथ एंड विंग दूर से उसे देख रहा था। मेशिंग ने कहा, बहुत हैंडसम है ना। ये सुन के विंग ने मेशिंग की तरफ देखा और कहा, तुम उसके भाई का बैचमेट हो ना। मेशिंग ने कहा, नहीं मैं जूनियर थी। विंग ने नोट किया। मेशिंग ने स्माइल किया और कहा, ये वही है ना। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया, उसने कहा, क्या। मेशिंग ने लंजा की तरफ पॉइंटिंग किया तो विंग ने कहा, हाँ क्या। मेशिंग ने कहा, तुम्हारा एंजल। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। मेशिंग हंसने लगी। दिन मेशिंग ने कहा, तुम हमेशा उसे ही देखते हो। विंग ने शाई किया और कहा, वो हैंडसम है, सब उसे देखते हैं। तो मेशिंग ने कहा, हाँ बट वो सबको नहीं देखता तुम्हारे अलावा, है ना। ये सुन के विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसके पास हिम्मत नहीं था कुछ कहने का। तभी उसे मोशानू का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दिया। विंग ने टेबल की तरफ देखा तो देखा लंजन ने शैंपेन खा लिया है। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। तभी विंग ने देखा कि मोशानू लंजन के फॉरहेड को मसाज कर रहा है। ये देख के विंग को गुस्सा आ गया, उसने अपने ग्लास को टाइटली पकड़ लिया। वो सोच रहा था मोशानू का हिम्मत कैसे हुआ लंजन के स्पेस में जाने का, वो उसका इतना क्लोज आ गया। एंड तभी उसने देखा कि लंजन टेबल के ऊपर सिर रख के सो गया। ये देख के मेशिंग ने कहा, अनबिलीवेबल। तभी विंग अपने सेंस पे वापस आया, उसे याद आया कि उसके पास और भी कोई है। उसने मेशिंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया और कहा, वो लाइट वेट है। ये बोलने के बाद जब विंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा तब उसने देखा कि लंजा टेबल पे अकेला है, मोशानू वहाँ पर नहीं है। ये देख के मेशिंग ने शाई किया एंड वो खड़ी हो गई। उसने कहा, अब तो तुम मेरे पास नहीं रहोगे मुझे पता है। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। मेशिंग ने कहा, कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं, अब तुम जाओ। ये बोल के मेशिंग वहाँ से चली गई। विंग दूर से ही लंजा को देखने लगा एंड आसपास मोशानू को ढूंढने लगा बट मोशानू आसपास कहीं भी नहीं है एंड लंजा वहाँ पर अकेला है। एंड सडनली लंजा उठकर खड़ा हो गया। ये देख के विंग डर गया, उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। विंग भी उठकर खड़ा हो गया। लंजा उस हॉल से निकल गया एंड विंग ने भी लंजा को फॉलो किया बट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। लंजा बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था, उसे देख के कोई भी नहीं कह सकता कि वो ड्रंक है। लंजा कॉरिडोर से निकल गया। अब लंजा टेरेस के दरवाजे के सामने आ गया जो बंद था। लंजा ने उसे खोलने की बहुत कोशिश किया पर वो नहीं खोल पाया। विंग का बहुत मन कर रहा था कि वो लंजा का हेल्प करे एंड दरवाजे को ओपन करे बट उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा ड्रंक है, अभी टेरेस पर जाना ठीक नहीं होगा, तो वो वहाँ पर ही खड़ा रहा। लंजा ने फाइनली हार मान लिया एंड देन वो पीछे मुड़ा जाने के लिए। तब उसने देखा कि सामने विंग खड़ा है। उसने कुछ टाइम तक विंग को देखा एंड देन उसने कहा, क्या तुम इसे ओपन करोगे प्लीज़। एंड विंग ने सेकेंड भी वेट नहीं किया, उसे दरवाजे को ओपन कर दिया क्योंकि वो लंजा को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। दरवाज़ा ओपन करते ही लंजा टेरेस पे चला गया एंड विंग ने भी लंजा को फॉलो किया। लंजा टेरेस के इधर उधर जाता रहा एंड विंग उसे फॉलो करता रहा जैसे कि वो दोनों गेम खेल रहे हैं। फाइनली लंजा रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया एंड वो सी को देखने लगा। विंग भी लंजा के पास आकर खड़ा हो गया। वो दोनों ऐसे ही साइलेंटली खड़े थे एंड सी को देख रहे थे। उस टाइम बाद लंजा ने विंग के आर्म को पोकिंग किया। देन लंजा फुल्ली विंग की तरफ टर्न हुआ एंड देन वो विंग के चिक्स को पोकिंग करने लगा। देन लंजा ने कहा, तुम सच में यहाँ पर हो। ये सुन के विंग का हार्ट बीट रुक गया, उसका आइज सॉफ्ट हो गया। उसने नोट किया। लंजा ने कहा, क्या तुमने मुझे फॉलो किया। विंग ने फिर से नोट किया। ये देख के लंजा फ्रोंड हो गया, उसने कहा, क्यों। विंग ने कहा, तुम अकेले अकेले घूम रहे थे, वो भी ड्रंक। ये सुन के लंजा विंग की एक स्टेप पास आया और कहा, तुम केयर करते हो। ये सुन के विंग का हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। वो सोच रहा था ये कैसा फुलिश क्वेश्चन है। उसने कहा, ऑफ कोर्स। लंजा एक स्टेप और आगे आया और कहा, रियली। विंग ने नोट किया। ये सुन के लंजा विंग की तरफ लीन्ड हुआ।
अब वो दोनों बहुत क्लोज थे, उन दोनों का लिप्स बहुत पास था। लंजन ने विंग के लिप्स पे एक सॉफ्ट किस किया, बहुत ही सॉफ्ट। ये देख के विंग फ्रीज हो गया, उसने अपने आंखें बंद किया एंड वो पीछे हट गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि जब लंजा सोबर होगा उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा एंड विंग ऐसा नहीं चाहता। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा। ये सुन के लंजा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसने हंसा एंड कहा, लायर। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, तुम उसे किस करना चाहते हो, वो रेड ड्रेस वाली लेडी? ये सुन के विंग ने अपने हेड को शेक किया, बट लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। वो फिर से सी को देखने लगा। लंजा ने कहा, तुम अभी भी मीन हो। ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर बहुत ही पेन हुआ। विंग ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही मीन बिहेव किया है ना? ये सुन के लंजा ने पाउट किया एंड नोट किया। विंग सोच रहा था, अगर लंजा सोबर होता तो वो रिफ्यूज़ कर देता, बट ड्रंक लंजा ऑफकोर्स नहीं करेगा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा, आई एम सॉरी। लंजा ने अपने फेस फिर से टर्न कर लिया, जैसे कि वो विंग के एपोलॉजी वाला फेस नहीं देखना चाहता। विंग लंजा के एक स्टेप पास आ गया, उसने कहा, लंजा। लंजा एक स्टेप पीछे चला गया। विंग फिर से स्टबर्नली लंजा के एक स्टेप आगे आया एंड लंजा फिर से पीछे चला गया। ये देख के पता नहीं विंग को क्या हो गया, उसने लंजा के दोनों हाथों को पकड़ लिया। लंजा ने अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया, बट विंग ने लंजा के हाथ को अभी टाइटली पकड़ लिया एंड अपने चेस्ट के पास लॉक कर दिया। उसने कहा, लंजा, मेरी तरफ देखो। लंजा ने कहा, नहीं। लंजा के फेस देख के विंग को लग रहा था कि लंजा बहुत गुस्सा है, बहुत। अब नेक्स्ट जो विंग ने किया, विंग को पता था कि वो ओवरस्टेप कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उसने स्टिल ऐसा ही किया। उसने लंजा को वॉल पे पुश किया एंड पिन कर दिया। ये करने के बाद विंग के पूरे बॉडी में गुस्सा आ गए, क्योंकि ये सीन फैमिलियर है, बट लंजा अभी तक नहीं माना। उसने फिर से स्टबर्नली अपने फेस को टर्न कर लिया। विंग लीन्ड हुआ एंड लंजा के कानों के पास आया और विस्पर करते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। लंजा ने गुस्से में कहा, नहीं। ये बात लंजा ने चिल्ला कर कहा। चिल्लाने के बाद लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने विंग की तरफ देखा एंड देन उसने फिर से अपने फेस को टर्न कर लिया। ये देख के विंग ने स्माइल किया एंड देन उसने अपने दोनों हाथों से लंजा के फेस को पकड़ा एंड अपनी तरफ टर्न किया एंड देन वो अपने फिंगर से लंजा के चीक बोन को स्ट्रोक करने लगा। इससे लंजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, बट उसने अपने फेस को टर्न नहीं किया। अब विंग लंजा के आइज में पेन देख सकता था, एंग्रीनेस देख सकता था। वो दोनों ऐसे एक दूसरे को देखने लगे। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, तुमने मुझे हर्ट किया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया एंड उसने लंजा के फेस को जाने दिया। लंजा बहुत गुस्सा है, बहुत। विंग अपने आप से कहता रहा कि लंजा गुस्सा है, वो ड्रंक है एंड वो इसलिए ये सब कह रहा है। एंड ऑफकोर्स लंजा हर्ट है, बहुत हर्ट है। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा एंड देन उसने उसके हाथों को किस किया और सॉफ्टली कहा, देन तुम भी मुझे हर्ट करो, मुझे बहुत हर्ट करो, हीट करो, मीन बिहेव करो, मैं सब कुछ ले लूँगा, कोई बात नहीं। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा, देन उसने कहा, नहीं। विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, हाँ, प्लीज़, हाँ। ये बोल के विंग लंजा के दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेकर आया। लंजा ने अपने पूरे बॉडी को वॉल की तरफ लीन कर दिया, जैसे कि अब वो थक चुका है। उसने कहा, तुम्हें हर्ट करना एंड मुझे खुद को हर्ट करने में क्या डिफरेंस रह जाएगा, दोनों एक ही तो है। ये सुन के विंग बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया। लंजा ने विंग से अपने हाथ को हटा लिया एंड विंग वहाँ पर ही फ्रोज था। लंजा फिर से विंग से दूर हो गया एंड वो सी को देखने लगा। विंग ने अपने आँखें बंद किया एंड उसने एक डीप ब्रेथ लिया। लंजा ने पाउट करते हुए कहा, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। विंग ने कहा, बीच पे? लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ। विंग ने कहा, नहीं लंजा, वो सेफ नहीं है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो वहाँ से निकल गया। तो विंग ने कहा, ऑल राइट, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ये बोल के विंग ने भी लंजा को फॉलो किया।
हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड आज के लिए इसी भी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।